अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चित्तौड़ प्रांत का अधिवेशन अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। यह अधिवेशन आगामी 29, 30 व 31 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर तमाम गतिविधियां आयोजित करने के लिए आजाद पार्क को चुना गया है, जहां आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों के साथ साथ विधायक वासुदेव देवनानी ने भूमि पूजन कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। एबीवीपी पदाधिकारी मेहुल गर्ग ने बताया कि इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ एबीवीपी के पदाधिकारी व सिंगर मोहित शर्मा शामिल होंगे। 3 दिन चलने वाले इस अधिवेशन में देश के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में चित्तौड़ प्रांत की 1000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। राजस्थान के 3 प्रांत हैं, 3 प्रांत में से चित्तौड़ प्रांत का प्रांत का अधिवेशन इस बार अजमेर में होने जा रहा है। प्रांत अधिवेशन 29, 30, 31 को आजाद पार्क में होने जा रहा है। तो आजाद पार्क में आज हम लोगों ने भूमि पूजन करा है और भूमि पूजन के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा जो डॉम बना है भोजनालय का, उसके अंदर हम लोगों ने भूमि पूजन करा है और आज से पूरे आजाद पार्क में हमारा निर्माण कार्य चालू रहेगा, जिसमें हमारे अतिथि आवास बनेंगे, मुख्य सभागार बनेगा, भोजनालय बनेंगे, सारी व्यवस्था आजाद पार्क में रहेगी छात्रों की, जिसमें लगभग 1000 छात्र सम्मिलित होंगे और 29 तारीख को सुबह इसका उद्घाटन रहेगा, दिन भर चर्चाएं चलेगी, 30 तारीख को शहर के अंदर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, खुला अधिवेशन किया जाएगा, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, 31 तारीख को सुबह फिर से दिन भर चर्चाएं चली जाएगी और चर्चाओं के बाद में भोजन के बाद में नई जो पूरे साल कार्यकारिणी बनेगी, जो पूरे साल भर में जो कार्यकारिणी बनेगी, जो अपने अपने क्षेत्र में काम करेगी, उस कार्यकारिणी का गठन किया जाए। अभी इसमें जो जोधपुर के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनका समय मिला है, वो कार्यक्रम में रहेंगे। एक सेलिब्रिटी है मोहित गौड़, सिंगर है, वो 30 तारीख को कार्यक्रम में रहेंगे। बाकी जो दूसरे हमारे पूर्व कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनसे बातचीत जारी है, जैसे उनको समय मिलता है आपको कुछ करेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो विश्व का एक सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसमें शिक्षाविद, शिक्षक और विद्यार्थी सम्मिलित होकर के विचार विमर्श करते हैं, उसके चित्तौड़ प्रांत का अधिवेशन 29, 30, 31 दिसंबर को अजमेर में होने जा रहा है। उसकी सारी व्यवस्थाएं यहां आजाद पार्क में होनी है, जिसके भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी अभी संपन्न हुआ है। यहां पे 3 दिन छात्र एक साथ रह करके निश्चित रूप से छात्र जगत की समस्याएं हैं, शैक्षिक जगत के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन सब पर चिंतन करते हुए छात्र जगत के हित में प्रस्ताव भी पारित करेंगे और एक देश समाज को नई दिशा देने के लिए प्रयत्न भी करेंगे, ताकि छात्र जो कल का नहीं आज का नागरिक है, वो सारी समस्याओं पर अपना चिंतन मनन करके एक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे।